हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी कहाँ कहाँ निकली हुई है और आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, ये कब निकली थी और इसकी लास्ट डेट कब है, किस किस कॉलेजेस में आप अभी करेंटली अप्लाई कर सकते हो, आपके पास टाइम है अप्लाई करने का, तो वो सब मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। ओके गाइस, तो जितने भी कॉलेजेस मैं यहाँ बताऊंगी वो सभी MDU से रिलेटेड है। ओके गाइस, तो आप फर्स्ट आपके पास दिखाई दे रहा है कि निहार सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन BPO झज्जर, ये झज्जर में कॉलेज है निहार सिंह कॉलेज, यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। आप MDU की वेबसाइट पर MDU रोहतक करके आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उस वेबसाइट पर जाकर आप इसकी डिटेल देख सकते हो। सेकेंड है आपका DDRCM। ओके, तो यहाँ पर भी आप MDU की वेबसाइट पर आप के चेक कर सकते हो। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की, पोल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इन सभी सब्जेक्ट की वैकेंसियां निकली हुई है। थर्ड है RD कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी आपके अभी लेटेस्ट निकली हुई है, 26 जुलाई को निकली थी, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर काफी सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ओके गाइस, देन आपका एक पंचकुला में रिसर्च डिपार्टमेंट है, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। यहाँ पर आप MDU की वेबसाइट पर जाके देखोगे तो आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। थर्ड आपका है DPG कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये आपका गुरुग्राम में कॉलेज है DPG कॉलेज। ओके, तो यहाँ पर भी अभी करंटली में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकली हुई है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ 20 जुलाई को आपका RD कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो। 8 नंबर पे आपका हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉरपोरेट, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, 20 जुलाई को निकली थी। ओके, ये सभी डेट आपकी न्यूज़पेपर में जो आपकी नोटिस निकला है वो न्यूज़पेपर का नोटिस आपको यहाँ दिया हुआ है, 20 जुलाई, 24 जुलाई, 13 जुलाई, ये सब। ओके, माता भीमेश्वरी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। देन आपका आता है रिसर्च एसोसिएट डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो। LR कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर भी आपकी वैकेंसियां निकली हुई है, तो आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, एक दिल्ली टेक्निकल कैंपस है, वहां पर भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कैसे पता करना है कि आप कहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, तो गाइस जैसे हरियाणा में आप MDU रोहतक की वेबसाइट, MDU रोहतक गूगल पे लिखोगे तो उस कॉलेज की वेबसाइट आपको गूगल पे शो होगी, तो उस वेबसाइट पर जाकर आप जितनी भी वैकेंसी निकली हुई है वहाँ पता लग जाती है। उसके बाद हमारे हरियाणा में IGU में भी आप IGU की वेबसाइट पर जाओगे तो जितने भी कॉलेज IGU से रिलेटेड है वो सभी वहाँ पर सो होते हैं। तो आप मतलब यहाँ या तो न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता लगती है कि किस कॉलेज में अभी वैकेंसी करंट निकली हुई है, या फिर आप इनकी वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हो, तो आपको फुल इंफॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो आपके लिए, या फिर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।